गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में शुरू कर रही हूँ और सोनम भगत जी, आपके लिए एक नेपाली गाना सुनाना चाहती हूँ। आपने बोला था एक नेपाली गाना सुनाइए। गाना गाना इतना अच्छा तो नहीं आता मुझे, फिर भी ट्राई करने में क्या है ना। भन्छु आजा मन का कुरा सुन्छौ भने तिमी, जुनी जुनी सममै हुन्छौ भने तिमी। भन्छु आजा मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी, जुनी जुनी सममै हुन्छौ भने तिमी। जिन्दगीको कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झे परेले चुन्छौ भने तिमी। माफ नै सम्झे परेले चुन्छौ भने तिमी। भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी, जुनी जुनी सम मेरै हुन्छौ भने तिमी। थ्याङ्क यू। आजका मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ काम करना है। ये मेरे फूलों के सूखे हुए पत्ते निकालने हैं, जिसमें पानी नहीं है उसको पानी देना है। तो काम करूंगी आप लोगों के साथ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन यहाँ पे फूल रखने के लिए ज़्यादा वरांडा नहीं है। कोई बात नहीं, जब मेरा अपना घर बनेगा तो वहाँ पे बहुत सारे फूल लगाऊंगी मैं। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो करने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड होता तो एक जगह रख के मैं कर पाती, तो वीडियो भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। जब ट्राईपॉड लूँगी तो बढ़िया सा आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। बहुत पता नहीं क्या हो गया, सब के पत्ते पीले पीले हो रहे हैं। इसके सूखे हुए पीले पत्ते सब निकालूंगी मैं। मुझे फ्लावर के नाम इतना तो पता नहीं होता है, फिर भी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं बहुत फूल लगाती हूँ। देखिए सब ऐसे इस तरह से पिटूनिया के पत्ते सब पीले पीले हो गए, लेकिन इसके फूल देखिए कितना बढ़िया है। वाइट कलर के फूल है इसके, तो बहुत बढ़िया फूला है। अभी इसके पत्ते सब निकाल दूंगी मैं, बहुत पीला हो गया है। ये बाहर था वैसे, जो बारिश की वजह से बहुत पता नहीं क्या हो गया था, मुरझा सा गया था। बहुत ज़्यादा बारिश होने से फ्लावर मुरझा जाते हैं, इसलिए मैंने आज दो तीन पॉट नीचे से उठा के बालकनी में ले आई रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से रह पाए। देखिए कितना बढ़िया सा फूल है ना। तो ये है गुलदावरी, मैंने ये भी नीचे से लेकर आई हूँ।
अभी फूल लग रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर का है ये। पता नहीं पत्ते इतने सूख गए मेरे फूलों में। अभी खाद डालने हैं मुझे, मिट्टी डालने हैं, लेकिन टाइम नहीं है। मतलब कैमरा खुद पकड़ना और काम करना आसान नहीं होगा, आप लोगों को पता ही है। तो अब शायद मैं खाद और मिट्टी समर वैकेशन में दूंगी, क्योंकि दोनों भाई और बहन का छुट्टी होगा। मतलब मेरे ननन, कल दिखाया था मैंने, ननन और देवर, उन दोनों का छुट्टी होगी समर वैकेशन में। तो उस टाइम में हम सब तीनों लोग मिलके खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, सब काम करेंगे। मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी भी है, आप लोग देख सकते हो। एक स्ट्रॉबेरी है, छिरिंग नाम के एक बहन है, उसने दिया था। तो अभी दो फूल खिले। अगर फल लगेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी कैसा फल लगता है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, घर पर खरीद के तो खाया, लेकिन घर का ट्राई नहीं किया है ऑर्गेनिक। तो दिखाती हूँ फिर जब इसमें फल लग जाए। ये देखिए, इसके भी थोड़े थोड़े पत्ते ऐसे हो गए, तो ये भी निकाल दूंगी मैं। और इन फूलों में भी मैं उसी टाइम खाद और मिट्टी डालूंगी जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। अब ऐसे रहने दूंगी, थोड़ा पानी देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसमें फूल बहुत अच्छा आया है इसमें। इसमें भी फूल तो अच्छे तरह से खिले हैं। और मेरे हस्बैंड को भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। वो भी इधर उधर जाते, कहीं जाते हैं तो मतलब फूल खरीद कर ले आते हैं। और मेरे मायके में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी अच्छे अच्छे फूल देखे थे, वो भी उठा के ले आते हैं। बहुत सारे हेल्प करते हैं फूल को। फूल तो सबको पसंद होता है, फिर भी कई लोग होते हैं उन लोगों को इतना शौक नहीं है फूल रखने की घर पर, लेकिन हमें बहुत शौक है अपने घर पर फूल रखे, अच्छे अच्छे प्लांट्स रखे। लेकिन मेरे पास प्लांट नहीं है अभी, जब हम अपने घर लेंगे, अपने घर बनाएंगे तब ले लेंगे। वैसे मैं आपको एक मेरा साइड दिखाना चाहती हूँ। ये साइड दिख रहा है ना आपको, यही है, हमने यही साइड लिया है, यही, ये अभी हम लोग रह रहे हैं ये घर। ये घर तो ये घर हमारे जेठ जी का है, ये तो अपना ही घर समझो, फिर भी मतलब अलग सा एक घर होना चाहिए आप लोगों के पास। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे साइड लिया है। तो पता नहीं आप कब घर बनाएंगे, देखेंगे। आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी, जब मेरा घर बनेगा तो जरूर दिखाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे प्लांट उगे फूलों में, तो इसको भी सबको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फूल अच्छी तरीके से नहीं आएगी। लेकिन ये फूल ही है, पता नहीं मखमली फूल बोलते हैं यहाँ पे, इसका नाम नहीं पता है मुझे। देखिए ये, इसका तो मतलब बात ही मत करो आप लोग, कितना बढ़िया है ना। इसमें तो शायद नीले पीले पत्ते नहीं होंगे, ये फट गया था इसलिए मैंने इस तरह से धागे से बांध कर रखा है इसको। अब जब ये फूल कर खत्म हो जाएगा तो मैं इसको चेंज करूंगी, गमले में रखूंगी इसको। पता नहीं छोटे छोटे चींटियां बहुत आ रही है मेरे फूलों में, आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के चींटियां आके लगी है, पता नहीं क्यों आई है, दिखाई नहीं दे रहा है शायद आपको। ये देखिए ब्लैक ब्लैक कलर का, तो इसकी वजह से भी शायद फूल खराब होगा। अब इसमें इनमें से फूल सब खत्म हो गया है, अब मतलब थोड़ा ही बचा है फूल, थोड़ा ही है इसमें। ये देखो तोड़ दिया मैंने इतना फूल, चिटिया देखो, ओ माय गॉड चिटिया। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी इसको देना होगा, यहाँ पे ज्यादा पानी।
हुन्छ। ये सो रहा है यहाँ पे। लूसी लूसी लूसी, यहाँ से नीचे हमारी सीढ़ी है और नीचे वो छोटा छोटा दिख रहा है ना पॉट काला काला, वो भी मैंने फूल ही लगाए वहां पे, गलदावारी है वहां पे फूल भी।